तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ टाटा ग्रुप की भी एक फ्लैगशिप कंपनी है और इस कंपनी का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स के अंदर। और इसलिए आज इस वीडियो में हम इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो जैसा आपको बताया, कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है और पूरे वर्ल्ड वाइड टीसीएस आज की डेट में बहुत ही बड़ा ब्रांड है आईटी सर्विसेज के अंदर। और वर्ल्ड वाइड कंपनी बहुत ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बहुत सारी कंपनी साथ में बहुत अच्छा बिजनेस करती है, और कंपनी काफी अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में काम करती है जिसमें कंपनी अपनी आईटी सर्विसेज देती है। यहां पे देखें तो कंपनी मेनली 5 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। यहां से कंपनी को पूरे रिवेन्यू का 39% यानी कि सबसे ज्यादा रिवेन्यू इसी सेगमेंट से आता है। और इसके अंदर कंपनी बहुत बड़े बड़े बैंक्स के साथ में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कंपनीज होती हैं उनके साथ में, और सारी की सारी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी साथ काम करती है, उनको सारा बैकएंड सपोर्ट, सारा आईटी सपोर्ट कंपनी देती है। उसके अलावा अगला सेगमेंट है रिटेल एंड कंज्यूमर बिजनेस। यहां से कंपनी को 17% में होता है और इसमें कंपनी जो रिटेल कंपनीज होती है उनको सारी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगला है कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यहां से कंपनी को 16% में होता है और ये भी काफी अच्छा सेगमेंट है, कंपनी अपना काफी अच्छा बिजनेस करती है। उसके अलावा बात करें तो अगला सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी को 11% रेवेन्यू आता है और यहां पे कंपनी एक की प्लेयर है। उसके अलावा बात करें बाकी जितने भी कंपनी के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से कंपनी को 17% रेवेन्यू आता है। तो इस तरह देखें तो कंपनी अलग अलग बहुत सारे आईटी सेगमेंट में काम करती है और लगभग सारे ही जो सेक्टर्स हैं वहां पे कंपनी काफी अच्छा रिवेन्यू अर्न करती है। ये तो कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रिवेन्यू के बाद या कंपनी के सेगमेंट वाइज रिवेन्यू के बाद, अब हम बात करते हैं कंपनी के ज्योग्राफिकल रिवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी कौन कौन सी लोकेशन से कितना कितना रिवेन्यू जनरेट कर पाती है। और यहां बात करें तो कंपनी को सबसे ज्यादा रिवेन्यू आता है अमेरिकन क्लाइंट्स या अमेरिकन कंपनीज से, और ये है 52% का, यानी कि सबसे ज्यादा कंपनी को रिवेन्यू जो है वो अमेरिकन कंपनी से आता है। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर यूरोपियन कंट्रीज, यहां से कंपनी को 31% रिवेन्यू आता है। इंडिया से कंपनी को 6% रिवेन्यू आता है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां जहां कंपनी काम करती है वहां से कंपनी को 11% में आता है। तो ज्योग्राफिकली देखें तो ये भी कंपनी काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड यहाँ पे में दिखाई देती है। इस वजह से हमने बात की कि टीसीएस एक काफी अच्छा ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे सर्विस लेती हैं। तो अगर हम बात करें कंपनी की ब्रांड वैल्यू की, तो आज में सिर्फ कंपनी के ब्रांड की वैल्यू है $16.8 बिलियन। ये सिर्फ आज कंपनी के ब्रांड की वैल्यू है, बाकी सारा बिजनेस तो एक साइड है। तो इस तरह से हमें क्लियरली पता लगता है कंपनी बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। बिल्कुल कंपनी जिसको बोलते हैं ना कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज उनको चाहिए, उसके हिसाब से कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के क्लाइंट बेस की, जैसे हमने बात की कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से काम करती है और इसमें से जो मेन मेन कंपनीज है वो है गूगल, अमेजन, अजूरा, अडोबी, इंटेल, बॉश, IBM, एप्पल और ओरेकल। ये बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कंपनी बहुत ही हाई वॉल्यूम में काम करती हैं, बहुत अच्छे रिवेन्यू कंपनी को इन कंपनी से आते हैं। इस पर बात करें अगर हम रिवेन्यू वाइज क्लाइंट्स की, तो कंपनी के पास में 58 क्लाइंट्स आज की डेट में हैं जो कंपनी को हर साल 100 मिलियन प्लस US डॉलर का बिजनेस देते हैं, यानी कि $100 मिलियन से ज्यादा जो है वो एक कंपनी से ही कंपनी को आता है, और ऐसी 58 क्लाइंट कंपनी के पास में है। उसके अलावा 120 क्लाइंट कंपनी के पास आज में ऐसे हैं जो 50 मिलियन प्लस US डॉलर का कंपनी को बिजनेस देते हैं हर साल, और 20 प्लस मिलियन वाले कंपनी के पास में 268 क्लाइंट हैं जो कंपनी को हर साल 200 मिलियन प्लस का US डॉलर का बिजनेस देते हैं। और ये भी काफी अच्छा साइन है, कंपनी के पास में बड़े बड़े क्लाइंट भी काफी अच्छे हैं और साथ साथ में छोटे क्लाइंट भी हैं, तो कंपनियों को भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंपनी को क्लाइंट की कमी है, पता लगा कंपनी एक दो क्लाइंट के साथ काम करती है, उन्होंने कल को मना कर दिया तो किसी कंपनी को प्रॉब्लम आई, तो ऐसी कंपनी नहीं है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स भी हैं और छोटे क्लाइंट्स के साथ भी कंपनी काम करती है। इसके बाद बात करें ये तो हुई क्लाइंट्स के बाद में,
इसके साथ साथ में कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छी कंपनी है, क्योंकि कंपनी बहुत ही हैवी डिविडेंड पे आउट हर साल पे करती है, और पिछले 15-17 साल से कंपनी हर साल लगभग 70-80% जो कंपनी का कैश फ्लो जनरेट होता है उसको एज ए डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करती है। तो ये भी काफी अच्छा साइन है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा रन करता है, बार बार उनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए जो भी पैसा बचता है कंपनी उसको एज ए डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे कर देती है। उसके बाद करें एम्प्लॉय बेस की, तो एम्प्लॉयज के हिसाब से भी एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, और अपने मार्केट में कंपनी एक टॉप एम्प्लॉयर ब्रांड है, यानी कि लोग इस कंपनी के साथ में काम करना चाहते हैं। बहुत सारी अलग अलग जगह देखें तो कंपनी टॉप एम्प्लॉयज की लिस्ट में आती है, वो है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूके, इंडिया, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी लोकेशन की बात करें तो कंपनी आज इनमें एक टॉप एम्प्लॉयर ब्रांड भी है। तो इस तरह देखें तो कंपनी क्लाइंट वाइज भी काफी अच्छी है, इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी है, और साथ साथ अपने एम्प्लॉयज के लिए भी कंपनी काफी अच्छी है। और आगे एम्प्लॉय बेस की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा कंपनी वाइज में एम्प्लॉयज हैं, और ये काफी अच्छा नंबर है, और साथ साथ कंपनी अपने यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट करती है उसमें वुमेन्स की भी काफी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है, 37-40% के आसपास वुमेन एम्पावरमेंट भी कंपनी कर रही है। इसके अलावा बात करें कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो आईटी सेक्टर हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, रिसर्च एंड इनोवेशन बहुत ही जरूरी है, जिससे कंपनी हमेशा नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विसेज अपने लिए लाती रहे, अपने क्लाइंट्स के लाती रहे। और यहाँ पे भी देखें तो TCS भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग R&D का अपना सेक्शंस रखती है, और जो भी इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कंपनी के विजन के साथ ही चलती है कि हमें कस्टमर सेंट्रिक चलना है, हमें सॉल्यूशन बेस्ड जो है वो चीजें बनानी है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास आज में 40+ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और अब तक कंपनी 6,583 पेटेंट जो है वो फाइल कर चुकी है, और उसमें से 2,287 पेटेंट जो है वो कंपनी को ग्रांट हो चुके हैं, अप्रूवल मिल चुकी है, और ये भी इस बात का अच्छे से प्रमाण है कि कंपनी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कर रही है, इसलिए कंपनी में जो पेटेंट्स हैं वो अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो इस तरह से टोटल प्रोफाइल अगर हम कंपनी का देखते हैं तो हमने क्लियरली देख लिया कंपनी बिजनेस वाइज अच्छी है, कंपनी के सेगमेंट अच्छे हैं इसमें कंपनी काम करती है, कंपनी की मार्केट पोजीशन अच्छी है, और साथ साथ तीनों पैरामीटर है, कंपनी क्लाइंट के लिए भी अच्छी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी है, और साथ साथ एम्प्लॉयज के लिए अच्छी है। तो बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि बिजनेस वाइज बहुत ही स्ट्रांग ये कंपनी आज डेट में है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में, अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। और मैं बता दूं किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज करता हूं, जिससे मैं कंपनी वाले डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहां पे हम पिछले 5 साल कंपनी का डेटा देखें तो सबसे पहला पैरामीटर जो हम चेक करते हैं वो होता है रिवेन्यू। रिवेन्यू से हमें यह पता लगता है कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसे चल रही है, कंपनी की ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है। और यहां पे देखें तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे 1,23,000 करोड़ रुपए, जो कि अब 2022 में बढ़के 1,91,000 करोड़ हो गए हैं, और हर साल लगभग कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। यह भी काफी अच्छा साइन है कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है। इसमें बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहां पर आप देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी काफी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कन्वर्ट कर पा रही है, 26%, 27%, और पिछले 2 साल से 28% का। और ये भी क्लियरली हमें यही बताता है कि कंपनी अपने जो रिवेन्यू इंक्रीज कर रही है उसके साथ साथ अपने मार्जिन में जो है वो कटौती नहीं कर रही है, कि ऐसा नहीं कंपनी रिवेन्यू अपने बढ़ा दिया और अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दिया। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है और साथ साथ कंपनी के रिवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। इस समय क्लियरली यही पता लगता है कि कंपनी अपनी प्राइसिंग अच्छे से रख पा रही है, साथ साथ कंपनी की जो भी एम्प्लॉई कॉस्ट है और दूसरे खर्चे हैं उनको भी अच्छे से मैनेज कर पा रही है, इसीलिए कंपनी काफी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी प्रॉफिट में रही है, कोई भी साल में कंपनी लॉस नहीं दिखाया है, और प्रॉफिट भी देखें तो हर साल ही लगभग कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। 2018 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट लगभग 26,000 करोड़ था, और जो कि 2022 में बढ़के 38,400 करोड़ के आसपास हो गया। तो ये भी हमें यही बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यूज को काफी अच्छे से अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। इसके बाद के लिए अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और जैसे हमने पहले ही बात की थी कंपनी हाई डिविडेंड पे करती है, और पिछले 5 साल से हर साल कंपनी डिविडेंड पे किया है, 37% 36% के आसपास की एवरेज है, और 2020 में तो कंपनी ने सारा ही पैसा लगभग 85% का पे आउट दे दिया, जो कि काफी अच्छा साइन है, कंपनी कैश रिच कंपनी है, इसीलिए कंपनी जो है डिविडेंड अच्छे से पे कर पा रही है। उसमें बात करें कंपनी के की पैरामीटर्स के CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की, तो कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 साल में 10% का हुआ है, डबल डिजिट में है,
तो भी काफी अच्छा नंबर है। उसके बाद बात करें कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 5 साल में कंपनी में जो प्रॉफिट है वो 8% से इंक्रीज हुआ है, 8% के CAGR से इंक्रीज हुआ है। इसके बाद बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस के CAGR की, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 5 साल में 20% के बहुत ही जबरदस्त CAGR से इंक्रीज हुआ है। और ये भी हमें यही बताते हैं कि कंपनी के अंदर लोगों का भी इंटरेस्ट है, तो इसलिए जैसे मैंने सारे पैरामीटर चेक किए, कंपनी एम्प्लॉयज के हिसाब से अच्छी है, इन्वेस्टर के हिसाब से अच्छी है और क्लाइंट के हिसाब से अच्छी है, इसलिए कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो हमें हर एक कंपनी का चेक करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल साइन है। अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो उसका मतलब होता है कंपनी को उतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर कोई कंपनी ज्यादा लोन लेती है और टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाती है तो कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें हमेशा हाई डेट वाली कंपनियों से बच के रहना चाहिए, हाई डेट मतलब हाई रिस्क। और यहाँ पे देखें TCS के केस में, तो यहाँ पे कंपनी लगभग डेट फ्री कंपनी है, कंपनी में कोई डेट है ही नहीं, सिर्फ 0.09 का कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है। इसका मतलब है अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए हैं तो सिर्फ 9 रुपीज जो है, 9 रुपये जो वो कंपनी ने लोन के रूप में ले रखे हैं, अदरवाइज कोई खास कंपनी उसमें लोन अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं आने वाली है, जल्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे को कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 44% का, और ये बहुत ही स्ट्रांग नंबर है, क्योंकि 15% या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफी अच्छी कंपनी माना जाता है, और ये लगभग 3 टाइम्स हो गया हमारे बेंचमार्क से, और ये भी काफी अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, पिछले 5 साल का एवरेज देखें तो 37% कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज आ रहा है, और ये भी बहुत ही अच्छा नंबर है। तो इस तरह से हम कंपनी का सारे फाइनेंशियल चेक करते हैं, हमने देख लिया कंपनी के रेवेन्यू काफी अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, और साथ साथ कंपनी को कोई खास डेट भी अवेलेबल नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रांग है। तो इस तरह के सारे फाइनेंशियल चेक करके बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एक्सीलेंट फाइनेंशियल आज के डेट में अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि फ्री कैश फ्लो को हम ये मानते हैं कि वही कंपनी की असली कमाई होती है, क्योंकि जो भी कंपनी नेट प्रॉफिट कमाती है, कई बार बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है उनको सारा पैसा नहीं मिल पाता है, बहुत सारे बैड डेट्स हो जाते हैं, या अगर पैसा कमाती भी है तो नई कंपनी होती है तो उनको सारा पैसा वापस से री इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस में, और वो उस पैसे को एज एन इन्वेस्टर या एज एन ओनर अपने घर नहीं लेके जा सकते, तो वो कंपनी असली कमाई नहीं है, क्योंकि उसको बिजनेस को बार बार उस पैसे की भी जरूरत है। और फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है कि वो फ्रीली अवेलेबल है, अब आप उसके थ्रू आप अपना कोई पर्सनल काम करना चाहें, डिविडेंड बांटना चाहें, अपने कोई डेट है उनको उतारना चाहें, जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं, बिजनेस को अब उस पैसे की जरूरत नहीं है, वो होता है फ्री कैश फ्लो। और यहाँ पे कंपनी का पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो देखें तो आ रहा है 2020 में 29,120 करोड़ रुपए, 2021 के अंदर 35,626 करोड़ रुपए, और 2022 के अंदर 36,954 करोड़ रुपए। और 3 साल में वेरिएशन आ रहा है तो हम इसका एवरेज लेते हैं, तो पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 33,900 करोड़ रुपए, यानी कि TCS कंपनी लगभग हर साल 33,900 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 16,95,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऐसी कंपनी जो 33,900 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 16,95,000 करोड़ रुपए। अब अगर हम इसको पर शेयर हिसाब से निकालते हैं तो आता है 4,630 रुपए पर शेयर, यानी कि अगर हम 4,630 रुपए पर शेयर हिसाब से TCS कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम पे खरीदते हैं तो हमारा रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब पास्ट रिकॉर्ड, जो हमने फ्री कैश फ्लो चेक करे हैं या कंपनी का प्रॉफिट रिवेन्यू जो भी चेक किया है वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी फ्यूचर में ऐसा परफॉर्म करे ना करे, कुछ भी हो सकता है, तो हमें हमेशा कंपनी के जो भी आने वाले रिस्क हैं उनको पहले से मैनेज करके चलना चाहिए। और उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम कंपनी को सस्ते दामों पे खरीद सकें और साथ साथ अपने जो आने वाले रिस्क है उसको भी अच्छे से मैनेज कर सकें। तो हमने निकाली फेयर वैल्यू 4,630 रुपए पर शेयर, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया
2,315 रुपये। तो अगर हम 2,315 रुपये पर शेयर हिसाब से आज की डेट में TCS कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को काफ़ी अच्छे दाम पर खरीदेंगे, साथ साथ अपने जो भी हमारे रिस्क हैं उनको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो की हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस आज की डेट में ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। हम चेक करते हैं कंपनी का करंट शेयर प्राइस कि आज की डेट में एक्चुअली किस प्राइस पे कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। तो बता दें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 3,127 रुपये पर शेयर। अब इसको हम देखें तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के काफी कम वैल्यू पे आज की डेट में अवेलेबल है, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू निकाली थी 4,630 रुपये पर शेयर और करंट शेयर प्राइस चल रहा है 3,127 रुपये। लेकिन अभी भी कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ऊपर आ रही है, पूरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी से अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज चेक करें तो कंपनी आज की डेट में अपनी फेयर वैल्यू के 67% में मिल रही है, यानी कि 50% का तो नहीं लेकिन 33% का काफी अच्छा डिस्काउंट आज की डेट में कंपनी मिल रहा है। और इस वैल्यूएशन को चेक करके बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि आज की डेट में TCS कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। लेकिन फिर भी बात है कि चाहे कंपनी अंडर वैल्यूड है नहीं है, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उस हिसाब से डिसाइड करना है कि कंपनी को हमने इस कंपनी इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन जैसे हम देखा कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो काफी अच्छे हैं, और फिर भी कंपनी हमें आज की डेट में अंडर प्राइस मिल रही है, अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है, तो काफी अच्छा साइन है। लेकिन जैसे हम बात की हमेशा हर एक चीज में कुछ ना कुछ जो है रिस्क होता है, तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आप भी अपनी तरफ से सर्च कीजिए कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई रिस्क ऐसा तो नहीं जो हम आपको बताना भूल गए हो या हमसे रह गया हो, और फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन कंपनी बारे आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का जैसे होता है आपको बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, और आज की डेट में कंपनी अंडर वैल्यूड भी है। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।